हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, साथ में ऐसी अपडेट्स और केस लॉज को भी दे रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप ज़रूर देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाए। हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे, उसमें हम लोग आज आर्टिकल 21 और 22 पढ़ना है। आर्टिकल 21 कंप्लीट हो गया, आज 21A और 22 पढ़ेंगे। ठीक, जो आर्टिकल 21A है, राइट टू एजुकेशन, जो कि बाद में इसे ऐड किया था 2002 में, जो 86 अमेंडमेंट था उसके द्वारा, इसमें क्या किया गया था, बच्चों को फ्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी। पहला क्लॉज बोलता है कि जो बच्चे 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, मैंडेट है। ठीक, साथ में ही नेक्स्ट बोलता है कि जो बच्चों को फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करोगे, कंपलसरी एजुकेशन मतलब फ्री तो फ्री एजुकेशन, साथ में कंपलसरी एजुकेशन, और साथ में ही आप किसी के इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के उसकी इकोनॉमी, सोशल और कल्चर बैकग्राउंड देख करके आप इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो हमारा एक केस आया था वो केस था, एक मिनट, हाँ, उसमें ये आया, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में बोला गया था। जो बच्चे 14 साल तक के हैं उन बच्चों को फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल 21A। इसमें इतना ही था समझने के लिए, क्योंकि और बेटर हम लोगों ने आर्टिकल 21 में समझ लिया था। ये एक तरीके से बस एक ऐड कर दिया गया, इन बच्चों को एकदम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, और इसमें ये भी लिखा कि आप इकोनॉमी एंड सब पे जो भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी आपको इस थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, अगर आप करोड़ों भी कमाते हैं लेकिन आपका बच्चा 14 साल से पहले है, मतलब 13 का हो, 14 का हो, 12 का हो, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल जाकर के आप फ्री पढ़ा सकते हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आप चाहे जितने भी बड़े आदमी हो। और गरीब आदमी भी गवर्नमेंट में ही, मतलब कि गवर्नमेंट में ही जाएगा, उसको तो कहाँ से पैसे देगा। और देखिए, अमीर बच्चे जो होते हैं, अमीर पिता के बच्चे, वो कहाँ ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसी हालत ही वहाँ की ख़राब होती है। जब ये गवर्नमेंट पूरा टीचर्स को पैसा प्रोवाइड करती, फिर भी टीचर्स बैठे वहाँ खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कहाँ तक के दोष देंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट तो वहाँ पे है, वो धीरे धीरे चीज़ें यहाँ तक आते आते ना हर चीज़ माइनस हो जाता है, वही हाल ये हो रहा है। मैंने कई स्कूल्स में देखा है टीचर्स अपना खा पी रहे, भाई जो फर्स्ट क्लास में है वो भी ABCD पढ़ रहा है, और जो नर्सरी में जो भी क्लास होती है उस वो भी बच्चा, फर्स्ट सेकंड का बच्चा एक साथ बैठा पढ़ रहा है, ABCD पढ़ रहा है, गिनती पढ़ रहा है, एक दो का टेबल सिर्फ पढ़ रहा है। ये सब चीज़ें बताइए, गवर्नमेंट अच्छा पैसा प्रोवाइड करती है। नॉर्मली जो छोटे छोटे स्कूल, छोटे मोटे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में टीचरों की सैलरी बहुत कम होती, फिर भी उन्हें एक वो होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा पढ़ाना है। लेकिन वहीं पे देखिए गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को कितने हज़ारों में सैलरी मिलती है, और वो ऐसा काम करते हैं, बताइए, इतना पेपर लेते हैं और फ्री में। टीचर्स का खुद का मन नहीं करता होगा कि बच्चों को ढंग से पढ़ाएं, कि वो आगे भविष्य बनाएं। चलिए आर्टिकल 22 देखते हैं अपना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन क्लासेस, सॉरी केसेस। ठीक, अब क्या है प्रोटेक्शन करना, किसी पर्सन को अगर उसका अरेस्ट हो रहा है या डिटेंशन हो रही है, यानी किसी को पकड़ना, किसी को डिटेन करना, अगर ऐसा होता है तो उसके पास क्या राइट है, आर्टिकल 22 बताता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन एंड इन सर्टेन केसेस। अब दो तरीके की अरेस्ट होती हैं, पहला अरेस्ट प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ये दो तरीके की डिटेंशन होती है, पहला प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। इसमें क्या होता है, किसी पर्सन ने ऐसा कोई क्राइम कर दिया है, उसको अरेस्ट करना होता है, उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है,
उसको वकील के लिए सलाह देनी पड़ती है कि भाई आप अपना अरेस्ट अगर तुम्हारा हुआ तुम अपने मन के जो भी लीडर हैं जो भी वकील हैं आप उसको देख सकते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन वो है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन दंगा फसाद करने वाला है तो इसको पहले ही डिटेन कर लो। प्रिवेंटिव डिटेंशन ज़रूरी नहीं है कि आप इनको पुलिस स्टेशन में ले जाओ, ये जहाँ पे रह रहे हैं उनको ही नज़रबंद वहीं पे कर दो, उनके घर पे बंद कर कह दो कि आप अभी कुछ दिनों के लिए नहीं निकल सकते हो और ऐसा है, और बाहर सिक्योरिटी वगैरह लगा दी। तो ये हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन की किसी चीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट कर लिया जाए कि वो चीज़ हो ना, तो ये आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। ठीक, अब आर्टिकल को देखिए, जो पहला क्लॉज है वो क्या बोलता है। तो जो हमारा आर्टिकल 22 का रफ कर दिया जाए, आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 बोलता है, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको पहले जो अरेस्ट हुआ है उसको ग्राउंड्स बताओ, किन ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं। नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, कई बार देखा जाता है लेकर के पुलिस चली जाती है, लेकिन देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस आती है तो आपको इन्फॉर्म करे ये बात है, अगर आप भाग नहीं रहे हैं तो आप इन द सेंस जो भी पर्सन ऐसे कर रहा है, अगर इस जैसे मैं समझा रही हूँ उसको एक तरीके से अपने से एग्जाम्पल लेकर के सोचिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या ये सही होगा या ये गलत होगा, तो इन सब को देख करके आप करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ में आगे भूलोगे भी नहीं ना। तो अगर पुलिस आई है उसको ग्राउंड बताए कि हाँ आपको इस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट करा जा रहा है, आपकी ये FIR हुई है, ये कंप्लेंट हुई या ये प्रॉब्लम आई है इसलिए किया जा रहा है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा बोलता है, इसी क्लॉज 1 में ही यही बताता है कि अपने इच्छा अनुसार एक लीडर को, एक रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट कर सकते हो, है ना। मतलब कि एक अब ये होता है ना, कई बार देखा जाता है कि मतलब फैमिली वाले अच्छा कोई वकील ढूंढ लाते हैं कि ये वो देख लेंगे वो देख लेंगे, लेकिन उनको राइट मिला है कि आप अपना लीगल प्रैक्टिशनर को आप खुद की कंसेंट से अपने हिसाब से एक चूज कर सकते हो। ठीक, एक केस आया था हुसैन आरा जो भी है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, हुसैन आरा खातून के केस में ये बोला गया था कि देखिए हम लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करने का आपको हक दे दिए, पर हक के साथ तो पैसा भी तो होना चाहिए, ऐसे ही हो जाएगा, आपके पास पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे। तो हुसैन आरा खातून के केस में बोला गया था अगर किसी के पास पैसे नहीं है रिप्रेजेंटेटिव के लिए तो जो स्टेट है वो उसकी हेल्प करेगा उसको रिप्रेजेंटेटिव दिलाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्लॉज आता है आर्टिकल 22 का क्लॉज 2, वो क्या बोलता है। और इसका पहले आंसर मुझे कर दीजिएगा, मैंने अपने CRPC के ये लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, वो किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक, तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 ये बोलता है अगर किसी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो उसको सबसे पहले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएं। पर इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप किसी को अरेस्ट करे हो पर पता चलता है कि कल छुट्टी हो जाती है, या मान के चलिए कि जो डिस्टेंस था वो थोड़ा ज़्यादा था जिसमें कि 24 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, तो वो एक एक्सेप्शन उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन एक जनरल प्रोविजन यही है कि आपको जो पुलिस है उसको एक्यूज्ड जो भी पर्सन अरेस्टेड है डिटेन्ड है उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाएंगे। ठीक, अब और मतलब कि ये भी बोला था कि 24 घंटे के बाद उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, यानी आपको कभी कोई पुलिस उठा के ले जाती है तो या फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, वरना 24 घंटे से पहले आपको छोड़ देगी। ठीक,
मतलब पुलिस से भिड़ना नहीं चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, किसी से भी, इवन किसी से भी भिड़ना नहीं चाहिए भाई। जो चीज़ें अगर देखिए गांधी जी ने जो किया नहीं किया, लेकिन उनकी ये बात बहुत सही थी, जो अगर बात से चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं कह रही कि मैं इनको फॉलो कर दिया कुछ, ये पॉइंट दे रही हूँ कि अगर पुलिस है आपको अरेस्ट करने आई है, आप उसका साथ दीजिए, उसका कोऑपरेट करिए, तो भी पुलिस आपके साथ नॉर्मल होगी। तभी अगर पुलिस एकदम आम आदमी की तरह बन जाएगी तो कौन क्राइम रोक पाएगा, कौन कैसे सब हैंडल कर पाएगा इन सब के चलते। तो वही कह रही हूँ कि मतलब थोड़ा सा अगर बात करके आराम से चीज़ें हैंडल हो सकती है तो आप उनको वैसे हैंडल करने की कोशिश करें, ना कि भाई मैं तो भैया लीगल प्रैक्टिशनर हूँ तो मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा दो चीज़ें किसी से भिड़ना नहीं चाहिए, है ना। बात ये है। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 3, 22 का, आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 बोलता है, ये एक्सेप्शन बताता है इन दोनों का। हमें आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 22 के 1 में मिला कि जो भी पर्सन है उसको अरेस्ट किया तो ग्राउंड बताएगा, साथ में लीगल प्रैक्टिशनर के लिए उसे उसकी कंसल्ट से कंसल्ट कर सकता है। दूसरा बताता है कि पर्सन को 24 आवर्स के अंदर उसको ले जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, 24 आवर्स से ज़्यादा रख नहीं सकते। तो इसी का 3 एक तरीके से जो एक्सेप्शन बताता है कि पर्सन पे ये नहीं अप्लाई होगा। पहला, जो एलियन एनिमी है, बाहर से कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते, क्या उसमें भी ये अप्लाई होगा? नहीं हो सकता। और दूसरा, जो प्रिवेंटेड डिटेंशन में लोग हैं, जो प्रिवेंटेड डिटेंशन के अंदर आते हैं, उसके एम्बिट में आ रहे हैं, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, जो आर्टिकल हम लोगों ने पहला और दूसरे में पढ़ा। ठीक, अब आज जो हमारा आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 है वो बोलता है, हम लोगों ने मतलब यही तो पढ़ा ना कि जो क्लॉज ये 3 में 2 का पढ़ा, 3 में जो दूसरा पॉइंट था प्रिवेंटेड डिटेंशन वालों को पे, अब उनके लिए भी तो कुछ राइट्स होंगे, उनकी भी कुछ चीज़ें होंगी। तो वो क्लॉज 4 बताता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के, अगर देखिए ये ए हैं, इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, यानी इनको, इनके ऊपर एक शक था कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। आजकल देखिए बहुत ज़्यादा ये सब क्राइम बढ़ रहे हैं कि वहाँ से रैली जाने वाली थी, यहाँ पे ये दंगा फसाद करने के चक्कर में है, फ़ोन वोन में पकड़ लिया जाता है, कई बार देख लिया जाता है, तो ऐसा कोई पर्सन पाया जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो उसको क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया, पहले उसको बंद कर दिया, आप नजरबंद सुने होंगे, तो वही चीज एक तरीके से, हाँ कर दिया। ठीक, तो उसको 3 मंथ से ज्यादा नहीं रख सकते, पर अगर रखना है तो एडवाइजरी जो बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड अगर एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये जरूरी है इनको ऐसा करना, तो उसको मंथ को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक, और साथ में एक और चीज इसमें ये दी हुई है कि पहली बात ये होगी, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 मंथ तक के कर सकते ही कर सकते हैं, पर एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा हम और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पर क्या एडवाइजरी बोर्ड बार बार बोले कि इनको भैया अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन दो, प्रिवेंटिव डिटेंशन दो, क्या उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही रखोगे? नहीं रख सकते। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसमें जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, उस लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक, आर्टिकल ये हो गया हमारा क्लॉज 4। अब क्लॉज 5 पढ़ते हैं, वो बोलता है इस पे भी वही चीज बताई गई है कि अगर जो क्लॉज 5 है वो बोलता है कि जो भी पर्सन है उसको लीगल प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड किया जाए और साथ में उसको ग्राउंड बताया जाए कि वो इसका राइट है कि उसको पता चले। और साथ में जो 22 का 6 है वो बोलता है किस कब कब आप उसको ग्राउंड नहीं बताने के बाद हैं। अगर ऐसा लगता है कि ये, इसको अगर मैंने ग्राउंड बताया कि इसने उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है सोसाइटी के लिए, उसके शांति भंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें उस पर्सन को 6 के अंदर नहीं बताने का उनके पास राइट है। ठीक, 7 बताता है कि जो 3 महीने का प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला सीन है, तो उसमें इंक्वायरी बोर्ड वही प्रोसीजर फॉलो करेगी जो कि एक्ट में लिखा हुआ है, ये नहीं अपने मन से करेगी। ठीक, अब ये हो गया हमारा आर्टिकल 22।
क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 21 और 22 ही पढ़ने वाले थे जो कि कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और साथ में ही आप हमारे फेसबुक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।